आइए अब हम सीखते हैं भिन्न संबंधित सवाल, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको पहले इक्वेशंस बनाना पड़ता है। इक्वेशन बन जाने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के तो कई तरीके आपने जान लिए, लेकिन भिन्न से रिलेटेड जो इबारती प्रश्न हैं, जो लिखे हुए प्रश्न होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो है, उनको इक्वेशन में कैसे चेंज करें ये सीखते हैं और हल करते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में दिया होता है कि किसी भिन्न में, तो जब भिन्न की बात जैसे ही आए, आप भिन्न मान लीजिए x अपॉन y, ये भिन्न है, ये जो क्वेश्चन पूछे भिन्न के नाम पर, यही इसकी वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगी, ये आपकी भिन्न है, ये आपको हर सवाल में मान लेना है। फिर जो क्वेश्चन करता रहे, कहता रहे, वो आप करते रहिए। भिन्न में ये है अंश न्यूमरेटर और ये है हर डिनोमिनेटर, तो इस तरीके से ये जो अंश के लिए कहे वो इसके साथ करना है, न्यूमरेटर के लिए जो कहे वो इसके साथ करना है, और जो डिनोमिनेटर के लिए कहे वो इसके साथ करना है, हर ये है और भिन्न पूरी ये है। तो न्यूमरेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई, फ्रैक्शन एक्स अपान वाई, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है अगर किसी क्वेश्चन में भिन्न की बात आती है तो। आइए क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, आंसर बनाना सीखते हैं, और समीकरण तो सबसे पहले ही बनाना सीखना पड़ेगा। किसी भी बात को समीकरण में बना लेना, फिर उसे हल कर लेना, बस यही तो मैथमेटिक्स है। भिन्न संबंधित प्रश्न हल कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए, जिसमें ये कह रहा है कि वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए। अब भिन्न क्या होता है ये हमेशा ध्यान रखना है, भिन्न होता है x अपॉन y, ये भिन्न है। अब पहली कंडीशन क्या है कि भिन्न के अंश से एक घटा दिया जाए, तो अंश अंश a है और इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो ये बन गया, तो उसका मान 2/3 हो जाता है, ये 2/3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है यदि उसके हर में से 4 जोड़ दें, उसके हर में 4 जोड़ दें, तो भाई भिन्न ये है और हर ये है, इसमें 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, ये दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 3x-3=2y, ये हो गया पहली इक्वेशन। यहां देखिए, यहां 2x=y+4, ये हो गया। अब 4 को अगर इधर कर दें तो ये वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम y को इधर कर ले, 2x-y=4, ये दूसरी समीकरण और ये पहली समीकरण, तो इसको भी इधर कर ले तो 3x-2y=3, ये पहली समीकरण, ये पहली समीकरण हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए यहां 3x है, यहां 2x है, नहीं कटेगा, यहां 2y है, यहां अकेला y है, नहीं कटेगा, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए y बराबर हो जाएगा, 2 से कर लीजिए तो आएगा 4x-2y=8, ये है इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तब आया, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट कब करते हैं, जब बराबर वाले नंबर के सामने एक ही जैसा चिन्ह होता है, तो एक जैसा है, सबट्रैक्ट करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये बदल गए, ये कट गया, ये 3 में से 4 माइनस किया तो -4 हो गया, -x बचेगा -8 में से 3 माइनस जाएगा, -5 बचेगा तो -- कैंसिल, x=5 आ जाएगा, ये x 5 आ गया। और किसी भी इक्वेशन में x को डाल दीजिए, आइए यहां डाल देते हैं x को, तो x 5 है तो 5 × 2 = 10 हो गया, 10-y=4, तो इसको उधर ले जाइए तो -y=, ये माइनस में हो जाएगा, 4 घट जाएगा उसमें से तो -6, ये प्लस हो जाएगा,
तो इस तरीके से y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और भिन्न क्या है x अपॉन y और 5 अपॉन 6, ये आपकी भिन्न मिल गई, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि गलत है या सही है, आइए चेक करते हैं। कहते हैं अंश से एक घटा दिया जाए, अंश से एक घटा दीजिए, चार आ गया, पांच था चार आ गया, अब वो दो बटे तीन हो गई भाई, फोर अपॉन सिक्स हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, दो अपॉन थ्री ही तो है ये, टू अपॉन थ्री आ गया। तो अब कह रहा है कि अगर हर में चार जोड़ दिया जाए, भाई पांच बटे छह है इसमें चार जोड़ दीजिए तो आ जाएगा फाइव अपॉन टेन, तो ये कैंसिल करिए तो वन अपॉन टू आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दोनों इक्वेशन बनी भी सही है, सॉल्व भी सही किया है आपने, और रिजल्ट भी सही है। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर कॉपी पेन पर सॉल्व करा दीजिए, जिससे ये पता चल जाए आपको सचमुच समझ में आया है। अगर आपको आ गया है तो निश्चित रूप से आप दूसरे को बता लेंगे, अगर आप बता लेते हैं तो आपको समझ में आ गया है, हमेशा याद रखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करा लीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए घंटी, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।